नमस्कार, जय गणेश। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नरेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल और आज का ये वीडियो है राशि चक्र की 11वीं राशि वायु तत्व की राशि कुंभ राशि के लिए नवंबर 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 11 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि कुंभ है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके 11 नंबर के अंदर लिखा है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कुंभ राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि महाराज की ट्रांजिट से। तो शनि महाराज जो है वो धनु राशि के अंदर चल रहे हैं। राशि से 11वें स्थान के अंदर चलने वाले शनि आपको धीमी गति से प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे। प्रोग्रेस होगा लेकिन स्लोली स्लोली होगा क्योंकि आपके जन्म के चंद्र जो हैं वो शनि महाराज की दृष्टि के अंदर हैं। थोड़ा सा चिंता टेंशन, सामान्य चिंता टेंशन संतान के बारे में भी हो सकता है क्योंकि राहु पंचम स्थान के अंदर चल रहे हैं और जो शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि के अंदर हैं और ये दृष्टि शनि महाराज की आपके अष्टम स्थान के अंदर भी होगी, जिसके चलते हुए आपको थोड़ा सा अपने रिलेशन के अंदर जो कोई भी जब तक विवाहित हैं उनको अपने रिलेशन में अपने इन लॉज के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। तो ट्रांजिट शनि महाराज की वैसे शुभ है आपके लिए, लाभ स्थान के अंदर है जो आपके बिजनेस में करियर में आपको स्लोली स्लोली बट प्रोग्रेस वाली होगी। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपकी राशि से 9वें स्थान के अंदर होगा जो भाग्य स्थान के अंदर होगा। तो भाग्य स्थान में चलने वाले सूर्य आपके भाग्य में प्रबल वृद्धि करने वाले होंगे। एक तो सूर्य नीच राशि के हैं लेकिन जो त्रिकोण स्थान है तुला के सूर्य आपको पश्चिम दिशा की ओर से लाभ करवाएंगे और 16 नवंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर तो ये सूर्य आपके लिए राजयोग कारक बन जाएंगे। तो 16 नवंबर के बाद का जो पीरियड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा रिगार्डिंग बिजनेस एंड करियर। खास करके जो कोई भी जाता गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, सरकार में काम कर रहे हैं तो इनके लिए तो बहुत शुभ समय होगा 16 नवंबर के बाद। 10वें स्थान में सूर्य राजयोग कारक बनेंगे, आपको पिता से लाभ करवाएंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएंगे। तो 16 नवंबर के बाद का जो पीरियड है आपके लिए बहुत शुभ होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में आप महसूस कर सकते हो क्योंकि सुख स्थान के अंदर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 4थे स्थान के अंदर 16 नवंबर के बाद। फिर भी जो समय है आपके लिए शुभ है, 16 नवंबर के बाद ज़्यादा शुभ है। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के बारे में। आर्मी कमांडर इन चीफ मंगल ग्रह की ट्रांजिट आपके लिए क्या कहती हैं। तो मंगल ग्रह जो है वो आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर चल रहे हैं। 10 नवंबर 2019 तक मंगल का भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं है आपके लिए। 10 नवंबर तक मंगल का जो ट्रांजिट है, मंगल 10 नवंबर को तुला राशि में चलेंगे। अच्छा, 10 नवंबर तक आपको क्या केयर करना है। 10 नवंबर तक जब तक मंगल 6वें स्थान के अंदर अष्टम स्थान में आपके चलते हैं कन्या राशि में, तो आपको पारिवारिक मामलों में विशेष केयर करना होगा। साथ साथ आपको रिलेशनशिप में अपने इन लॉज के साथ जो कोई भी जब तक विवाहित है इनको अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा केयर करना होगा। साथ साथ आपको आग एवं इलेक्ट्रिक से भी केयर करना होगा क्योंकि डबल अंगारक योग बनता है, एक आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर और एक आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर।
मंगल की दृष्टि शनि महाराज के ऊपर 11वें स्थान के अंदर है जो अंगारक योग बनाएगी, और शनि महाराज की दसवीं दृष्टि मंगल के ऊपर है जिसके कारण 8वें स्थान में भी आपके अंगारक योग बनता है, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको रिलेशनशिप में इन लॉज के साथ और आग एवं इलेक्ट्रिक से केयर करना होगा। और 10 नवंबर को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो ये आपको कहीं ना कहीं वेस्टर्न डायरेक्शन की ओर से आपको लाभ करवाएंगे, यानी कि पश्चिम दिशा से आपको लाभ करवाएंगे। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे बुध ग्रह की ट्रांजिट में, ट्रांजिट के बारे में। तो बुद्धि तत्व के कारक बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो 23 अक्टूबर से वृश्चिक राशि के अंदर होगा, यानी कि आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर होगा। जो 7 नवंबर को वक्री होकर चलेंगे तुला राशि में, तो 10वें स्थान में चलने वाले बुध भी राजयोग कारक माने जाते हैं, बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। और 7 नवंबर को जब बुध वक्री होकर चलेंगे तुला राशि में, तो इतना ट्रांजिट बुध का शुभ नहीं होगा, फिर भी त्रिकोण स्थान है, यहाँ पर बुध आपको पश्चिम दिशा से लाभ करवाएंगे, वेस्टर्न डायरेक्शन से आपको लाभ होने की संभावना रहती है। महत्व की ट्रांजिट इस मंथ के अंदर हो रही है, जो गुरु आपके 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, ये अब राशि परिवर्तन करेंगे 4 नवंबर तक जो गुरु 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, ये आपके बिजनेस में करियर में आपको एक थोड़ा सा रुकावट करने वाले हैं। आपका काम बड़ा करने वाला, बड़ा आप काम करने की सोच रहे हो लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है, छोटा आपको करना नहीं है, ऐसी दुविधा में आप फंसे हुए हो 4 नवंबर तक। और 4 नवंबर को जैसे ही गुरु परिवर्तन करके लाभ स्थान के अंदर चलेंगे, तो आपका बिजनेस करियर का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और बिजनेस में करियर में आपको लाभ मिलने के चालू हो जाएंगे। तो 4 नवंबर से जो गुरु चलेंगे आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर धनु राशि में, एक तो गुरु की जो ये राशि है अपनी राशि है, और 11वें स्थान के अंदर चलने वाले गुरु आपके लिए बहुत लाभ करने वाले होंगे, मित्रों से लाभ रहेगा, बिजनेस में करियर में लाभ रहेगा, नए साहस आप करेंगे, नए साहस से भी आपको लाभ रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान के अंदर होगी, गुरु की दृष्टि आपके पंचम स्थान में होगी, जिसके कारण संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, संतानों का भी प्रोग्रेस होगा, संतान के एजुकेशन में प्रोग्रेस होगा, जो कोई भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में प्रोग्रेस होगा, और अविवाहित जो जातक हैं इनको ये विवाह के योग करने वाले बनेंगे, तो एंगेजमेंट या तो मैरिज आदि हो सकता है। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो शुक्र ग्रह का भ्रमण भी आपके लिए बहुत शुभ है, 10वें स्थान के अंदर शुक्र चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में चलने वाले शुक्र आपके लिए बहुत शुभ है। 28 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक शुक्र चलेंगे 10वें स्थान के अंदर। जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स कपड़े इत्यादि, कोई भी ब्यूटी पार्लर सलून, कोई भी लग्जरियस इंडस्ट्री से डायमंड का काम है, कोई भी लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कोई भी जातक है, इनके लिए जो शुक्र का ट्रांजिट 10वें स्थान के अंदर एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा। 21 नवंबर को शुक्र राशि जब परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपको शुभ फल देने वाला होगा, लव मैटर में सक्सेस देने वाला होगा। तो इस मंथ का जो ट्रांजिट शुक्र का आपके लिए बहुत शुभ है। शनि का ट्रांजिट आपको पहले ही बता दिया है कि शनि आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो धीमी गति से लाभ में वृद्धि करने वाले होंगे। राहु पंचम स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो शुभ नहीं माने जाएंगे। तो जो कोई भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी इत्यादि कार्य से कनेक्टेड है, इनके लिए थोड़ी लॉसिस आने की संभावना रहेगी। और केतु आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो आपके लाभ में धीमी गति से वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि जो बड़ी ट्रांजिट वाले ग्रह होते हैं गुरु शनि और केतु, बहुत स्लोली मूवमेंट करते हैं, तो धीमी गति से आपको लाभ में वृद्धि करने वाले होंगे। कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना है मंथ में, इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको डेट टेक केयर करना होगा 6, 7, 8 और 9, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में। तो मकर के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 16, 17 और 18, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में। तो वृषभ के चंद्र राशि से 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं,
चौथे चंद्र में आपको अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट टेक कर करना होगा 25, 26 और 27, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। तो कन्या के चंद्र भी राशि से आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं। आठवें चंद्र में आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्रा में केयर करना होगा और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। तो ये था प्रेडिक्शन कुंभ राशि के लिए नवंबर 2019 का। यदि आपकी जानकारी में कोई मित्र हैं आपके कुंभ राशि वाले, तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होता है उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना करते हैं। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। जय गणेश।